ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन डिक्रीज होती है। ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन क्या होती है डिक्रीज। इसी सीक्वेंस पर अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और वो भी किसमें एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्डिहाइड और देखो ऑक्सीडेशन में भी मेनली अपन इसको देखें ना दो टाइप से होता है। एक तो इन एयर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा ऑक्सीडेशन अपन किसी सिलेंडर से ऑक्सीजन देकर के किसी कंपाउंड को वहां पे ऑक्सीडेशन करते हैं। यस या नो? एक ऑक्सीडेशन तो ऐसा होता है जिसमें इन एयर प्रेजेंस ऑक्सीजन यूज होती है। दूसरा अपन किसी सिलेंडर से ऑक्सीजन डोनेट करते हैं तो यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है इन एयर वाला। क्लियर या नॉन क्लियर? देखिए बच्चों RCHO एक एल्डिहाइड है, इससे अपन बोल सकते हैं एल्किल एल्डिहाइड या एल्केनल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल्केनल। एल्केनल से अपन ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन जोड़ते ही एल्केनोइक एसिड बन गया। क्या बन गया? एल्केनोइक एसिड एल्केनल। आई मीन ये एल्डिहाइड है। क्या है ये? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में क्लाइमेट की जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रही है और इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। अगर इसका आईयूपीएसी नाम देना चाहे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड या मेथनोइक एसिड बन गया। अगर साथ R जुड़ रहा है तो एल्केनोइक एसिड बन गया। नेक्स्ट वाला रिएक्शन HCHO स्ट्रक्चर को ओपन करके देख लो। C डबल बॉन्ड हो और दोनों साइड दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन परमाणु से पूरी हो रही है। इस स्टेज में अपन इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। में ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो फिर देखो वही ओइक एसिड बन गया। क्या बन गया? ओइक एसिड, मेथनोइक एसिड बन गया। ये भी एल्डिहाइड है CH3CHO। अगर आईयूपीएसी नाम देना चाहे तो वन कार्बन टू कार्बन पहले एल्डिहाइड है, टू कार्बन के लिए एक होता है, ये एथेनॉल बन गया। एथेनॉल की रिएक्शन में ऑक्सीजन से करवा रहा हूं, इन ऑक्सीजन से तो ये एथेनॉइक एसिड बन गया। मैं सीधा सीधी भाषा में बात कह सकता हूं कि अनऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्लाइमेट की जो ऑक्सीजन होती है वो एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केनॉइक एसिड बनाती है। एनी डाउट? जब कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो ऑन हीटिंग, हीटिंग मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है और उस समय इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन होता है। ये मैंने एसीटोन ले रखा है। कीटोन फैमिली का पहला मेंबर जो होता है वो एसीटोन कहलाता है स्टूडेंट। और एसीटोन के रिएक्शन में ऑक्सीजन से करवा रहा हूं तो एसीटोन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप चाहे इसे एसीटोन बोल दीजिए, चाहे आप इसे क्या बोल दीजिए, कीटोन बोल दीजिए, चाहे डाइमिथाइल कीटोन बोल दीजिए, एक ही चीज है। तीन अणु एक अणु ऑक्सीजन का जुड़ रहा है और ये बन गया मेथनोइक एथेनॉल। दो कार्बन है, दो कार्बन की ऐड हो जाएगा COOH एसिड एथेनॉइक एसिड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अगले वाले रिएक्शन में CH3C डबल बॉन्ड हो CH2CH2CH3। देखो पहचानने की कोशिश अगर हम इसे करेंगे डियर तो ये भी कीटोन फैमिली से है। कौन सी फैमिली से है? कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो कीटोन फैमिली से है। कीटोन के अंदर में तीन अणु ऑक्सीजन के तीन परमाणु सॉरी तीन एटम्स कीटोन के अंदर ऐड कर रहा हूं तो वही एल्केनोइक एसिड और ये भी एल्केनोइक एसिड बन रहा है। दोनों के नाम देना चाहूं एथेनॉइक एसिड और ये प्रोपेनॉइक एसिड। कोई डाउट? इसे बोलना चाहे तो प्रोपेन वनोइक एसिड भी कह सकते हैं अपन। जब कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो सीधा लोअर एल्किल ग्रुप से अटैच्ड होता है तो ऐसी स्थिति में हम इसे पोपाफ पूल कहते हैं। पोपाफ POPFF पोपाफ पूल कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कार्बोनिल ग्रुप जब लोअर एल्किल ग्रुप से अटैच्ड होता है तो उसे पोपाफ रूल कहते हैं। पोपाफ का नियम कहते हैं। पोपाफ का नियम ऑक्सीडेशन सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है।